से मेरा थर्ड ईयर का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। लगाया बाबू, अरे एक आदमी का रेस्क्यू टीम आपके लिए रेडी है मोहतरमा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ कॉलेज में और कल शाम को ही आई थी यहाँ पे। अरे बहुत रूम बहुत गंदा था, उसको झाड़ू तो नहीं लगा सकती थी क्योंकि कल शाम लगभग 6 बजे के अराउंड आई थी और शाम हो गई थी। और ऐसा बोला जाता है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो मैं शाम में झाड़ू नहीं लगाई, बस पोछा लगा दी। और उसके बावजूद भी बहुत गंदा था। तो आज जब सवेरे उठी तो एक्सरसाइज वगैरह किया और अभी झाड़ू पोछा करके एकदम क्लीन। और ये हमारा डेली रूटीन है, मेरी रूममेट का भी है मेरा। कभी वो झाड़ू पोछा करती है, कभी मैं करती हूँ, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। और अभी सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, 5-10 मिनट, इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस टाइम में थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया जाए, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। मिलते हैं गाइस कुछ देर में। और एक बात तो बताना भूल ही गई मैं, और आज से मेरा थर्ड ईयर का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज 9 बजे जाऊँगी मैं क्लास, फर्स्ट क्लास। देखते हैं क्या होता है, कैसा जाता है। आई विल अपडेट एवरीथिंग। तो अभी 8 बज रहे हैं और मैंने अभी थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स वगैरह खाया है और अभी कर रही हूँ अपना एप्रन आयरन। और पता है एक भी लड़की नहीं आई है हॉस्टल में, एक भी मेरे बैच की एक भी नहीं है। और मैम लोग आई हैं कुछ, और इंटर्नशिप की कुछ है यहाँ पे, कुछ मैम वहाँ इंटर्नशिप की है। और पता नहीं नीचे जाऊँगी क्लास तो कुछ कोई आएगी कि नहीं, पता नहीं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब क्लास स्टार्ट होता है तो कोई नहीं आना चाहता, कोई कुछ दिन लेट करके आता है। पता नहीं मैं क्यों आ गई, मुझे भी नहीं आना चाहिए था। अकेले थोड़ा ऑकवर्ड लगता है फर्स्ट क्लास करने में। अभी 8:50 हो रहे हैं, 9 बजे से मेरा क्लास है और मुझे 2 मिनट लगते हैं क्लास जाने में क्योंकि मेरा हॉस्टल ऊपर ही है कॉलेज के। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, पर अकेले कौन जाना चाहता है, भगवान करे कोई आ जाए, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती क्लास में। अभी तक तो कोई मैसेज भी नहीं किया है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हे माँ शक्ति दे मुझे, क्या करें, आए हैं तो चले जाते फिर। चलो आप लोग भी चलो मेरे साथ। एज़ यू कैन सी पूरा लॉक लगा हुआ है। ये तो जूनियर्स का कमरा है और इन लोगों का तो जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो ये लोग तो नहीं आएंगे। और इधर भी मैम लोग का भी सारा रूम बंद है, बस 2 मैम आई हैं और ये मेरे बैच की लड़कियों का है। सारा रूम लॉक है और मैं अकेली। मैम लोग भी बस अभी गई हैं क्लास और मैं भी जा रही हूँ। पूरा सुनसान, जब मैं क्लास पहुँची तो वहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं था, बस फैन चल रहा था और एसी चल रहा था वेंटिलेशन के लिए। और मैं यहाँ पे अकेली सबका इंतज़ार कर रही थी कि, और भगवान से मना रही थी कि बस एक स्टूडेंट कम से कम आ जाए, बस एक। पर आए कुछ स्टूडेंट, आए लगभग 10-11 बच्चे आए और क्लास भी बहुत अच्छे से हुआ। क्लास हो गया ओवर, मुझे ये बुक लाइब्रेरी में देना है, झाड़ियो लाइब्रेरी पहले, उसके बाद जाऊंगी हॉस्टल। क्लास ओवर 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 ओवर। अभी 2 लड़की और आई हॉस्टल में और क्लास में टोटल एक क्लास में 10 बच्चे और सेकेंड क्लास में 11 बच्चे, और आज 2 ही क्लास था। क्लास ओवर, कल भी 2 ही क्लास है और वो भी 9 बजे से। अभी कुछ देर बाद करेंगे लंच। लगाया बाबू, तो शैम्पू रेड होता है, शैम्पू
रेड रेड क्या लगा हुआ है? शैम्पू है कि लिपस्टिक? ये सिंदूर लगाते नहीं। अच्छा सिंदूर है, सिंदूर का लिप खा गया है। आप लोगों को देखता होगा ना। हाय हाय, अच्छा लग रहा है। अभी मैं लंच करने आई हूँ। लंच में देखे चावल और ये अच्छे से पकाता भी नहीं है, चिकन और ये सैलड। मन तो नहीं कर रहा है खाने का, पर भूख लगी और क्या खा सकते, घर थोड़ी ना है। अभी शाम हो गई, अभी 6 भी नहीं बजा है और 6 बजने में अभी 12 मिनट टाइम है और देखो चाँद भी बाहर निकल गया है और मुझे भूख भी लगी है और खाना लगभग 7:15 या 7:30 के बाद मिलता है। तो मैं जा रही हूँ कुछ स्नैक्स खाने के लिए और ग्रीन टी बनाने के लिए। मेरे पास गैस है और मेरी रूममेट के पास केटल है, तो हम लोग को छोटा मोटा जो भी काम होता है, पानी गर्म करना, कुछ भी दूध गर्म करना, तो हम लोग केटल में कर लेते हैं क्योंकि आसान पड़ता है वो, और गैस भी बच जाता है क्योंकि गैस तो भरवाना पड़ता है और केटल तो यहाँ पे फ्री में इलेक्ट्रिक वाला रहता है तो फ्री का हो गया। फिर तो अभी नहीं है वो पैक करके चली गई है, तो अभी आज आ रही है अभी कुछ देर बाद, लेकिन मुझे अभी पीना है, उसको लेट हो जाएगा क्योंकि ट्रेन लेट है। तो मैं फिर भी जा रही हूँ बनाने, क्या होगा, पीना है मुझे। तो मेरा इवनिंग स्नैक्स बन के रेडी है। ये रहा ग्रीन टी और ये रहा स्नैक्स, बहुत हेल्दीएस्ट स्नैक्स है ये। अगर आप लोग पूछोगे इतना हेल्दी क्यों खा रही है, क्योंकि मुझे करना है अपना वेट लॉस, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा हेल्दी प्रेफर कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मन नहीं मानेगा तब खा लूँगी, लेकिन अभी तो बहुत दिन से नहीं खाई हूँ, अभी 20 दिन से प्लस हो गया मैं नहीं खाई हूँ कुछ भी, और मैं हेल्दी हेल्दी ही कुछ खा रही हूँ, बस यही। और ग्रीन टी तो शुरू से ही पी रही हूँ कुछ, क्योंकि कुछ और पीती नहीं हूँ, चाय कॉफ़ी, तो ग्रीन टी इज़ द बेस्ट, और थोड़ा बहुत ब्लैक कॉफ़ी। ये स्नैक्स बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ मसाला वाला चीज़ खाने का मन किया, मैगी वैगी कुछ भी, मैगी समोसे कुछ भी। वैसे भी हमारे घर में तो मोस्टली भूजा बनता है शाम को, चना का भूजा हो, चूड़ा का भूजा हो, या चना भजा हो, यही से बनता है। वो भी तो हेल्दी ही होता है। अभी मैं अपना स्नैक्स खा रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए। उससे पहले मेरी रूममेट आएगी, बेचारी फंसी हुई है ट्रेन में, लेट है उसका ट्रेन, ज़्यादा देर ना हो। वैसे तो अभी 6 बज रहा है, बस ज़्यादा लेट ना हो। पूरे एक आदमी का रेस्क्यू टीम आपके लिए रेडी है मोहतरमा। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू। इसका परसों बर्थडे था, परसों था, हाँ कल था, ऐसे कल ही था, सॉरी। अब यहाँ से आपको ये रेस्क्यू टीम ऊपर लेकर के जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है मोहतरमा। भारी है वो भी दे दो। मेरी रूममेट ये क्या लेकर के आई है? मसाला का, मसाला दानी। मसाला दानी, इसमें सारा मसाला आ गया। हम लोग को अलग अलग A to Z आ गया। हाँ, अलग अलग डब्बे में नहीं रखना पड़ेगा, इजी भी है खोलना। कितना सुंदर लग रहा है, 1, 2, 3, 6, 7 कलर, मल्टी कलर। बस इसमें वो नहीं है, राई नहीं है, बाकी सब कुछ है। कोई बात नहीं, राई का लेकिन लिखा हुआ है कहीं पर, जीरा लिखा हुआ है, राई, धनिया, जीरा, फिर धनिया, फिर जीरा, फिर काली मिर्च, फिर धनिया, धनिया तीन तीन। हाँ बहुत सुंदर है दिखने में, भी सुंदर लग रहा है। इस पर ये हटेगा भी नहीं, परमानेंट मार्क से लिखी है। हाँ। बहुत सुंदर है, अच्छा की ले हम देखे तभी ले लिया था।